चलो देख गाड़ी सीधी मत करना गाड़ी में रिटर्न। देख सकते आप क्या यहाँ पर एक ऐसी धार है जी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम हैं अभी घर में और भाई 4-5 बजे रात से ज़बरदस्त बारिश शुरू है, क्या बताऊँ मैं आपको। और मौसम ऐसा बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेंगी, इसके लिए मैंने असद को कॉल किया था। मैं बोला बाहर चलते हैं क्योंकि ये बारिश के सीज़न में हम एक बार भी गीले नहीं हुए और ना ही बारिश में हम कहीं पर घूमने गए। तो हम जाने वाले हैं बाहर। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या नज़ारा है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर अभी हल्की हल्की और पूरा पानी थमा हुआ है। तो हम बाहर निकलेंगे और आपको बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है ये व्लॉग में गाइस, क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि आज पूरा दिन बारिश रुकने वाली है। और हो भी सकता है कि कहीं पर नुकसान भी हो बारिश से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो फिलहाल मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, आप इंजॉय करो और हम रेडी होके जल्दी निकलते हैं, मज़ा आने वाला है। चलो तो दोस्तों ये देख लो बाहर का क्या ज़बरदस्त माहौल है भाई। पूरे रात से बारिश शुरू की और आप देख लो हरियाली और उसमें पानी थमा हुआ है। तो बारिश शुरू है हल्की हल्की और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो देख लो आप, हम जल्दी से रेडी होते हैं और फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। चलो और हम अभी शाहीन कॉलेज में रेलवे ट्रैक जो है उसके नीचे देखो ब्रिज देख सकते हैं आप, छोटे से मोरी भी बोलते हैं। तो वहाँ देखो आप कितना पानी भर गया और ये पानी से शहर में से और ये नाले के ज़रिए से ये जाएगा अभी नदी में। तो इसका मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा पानी जो है भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से और अब हम आ गए हैं नवाबपुर में असद के पास। यहाँ से असद को लेते हैं और फिर हम निकल के और आपको पूरे वीडियो में वॉइस ओवर मिलेगा आगे, क्योंकि हम मोबाइल को डालेंगे कवर में और हम वैसी वीडियो बनाएंगे, बाद में हम वॉइस ओवर करेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा शुरू है। और हम आ गए अभी छोटे नांदुरे को कुरेशी नगर से जोड़ने वाला जो पुल है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हमको देखना था कि हमारी नदी को बड़ा पुल आया या नहीं। तो बड़ी नदी को बड़ा पुल नहीं आया, क्योंकि हमारी नदी को लगते हैं 2 या 3 डैम शायद। तो वो डैम जब भरते हैं उसके बाद ही ज़्यादा पानी आता है और ये पानी तो जो है वो गाँव का नालों का ये सब वही पानी है। तो खैर यहाँ से हम निकलते हैं अभी और फिर है और हम पहुँच गए हमारे हमारे नांदुरे के सब्जी मार्केट में, जो डेली मार्केट है। और आप देख सकते हैं कितना खाली है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू शुरू है तो यहाँ लेने वाले भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा बेचने वाले नज़र आ रहे। तो फिलहाल हम यहाँ से भी निकलेंगे और ये है शेवरी चौक। तो बता दूँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, स्कूल के बच्चों की, लेडीज़ की, जेंट्स की, बहुत मेन मार्केट है। मगर आप देख सकते हैं कैसा खाली है, वजह बारिश की वजह से पूरा मार्केट खाली है। और ये है हाईवे, हाईवे का भी वही हाल है, देख सकते हैं आप हाईवे के दोनों साइड में जो पानी भर गया है और कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हाईवे पर भी। तो वही बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं आए अभी, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी और पानी बहुत ज़्यादा भर गया आप देख लो दोनों साइडों में। बस बीच में थोड़ा ही रोड मुझे नज़र आ रहा है, बाकी दोनों साइड पानी भरा हुआ है। और चलते आगे, तो फिलहाल हम देख सकते हैं आप मुझे मज़े ले रहे हैं हम बारिश के, बहुत मज़ा आ रहा था, ऊपर से कंटिन्यू बारिश हुई। मगर एक मसला था कि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी भाई, हाँ सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और वैसे भी मुझे ज़्यादा ही सर्दी लगती, मगर मज़ा आ रहा था, मज़े के लिए निकले थे तो मज़ा आ रहा था। और हम अभी फ़िलहाल आ गए ताजनगर में, ये देख सकते हैं आप ताजनगर, ये ताजनगर जो नांदुरे का, बहुत ज़्यादा यहाँ भी भीड़ रहती है, चाय वाले, नाश्ते वाले और कंटिन्यू रास्ता जो है वो बहते रहता, तो बहुत सारी जगह से आगे रास्ता मिलता है बट खाली था। और ये है नांदुरे के शिवाजी नगर के सामने का हाल, आप देख सकते हो कितना पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी है, आपको नज़र नहीं आ रहा है ये देखने। तो देखो सामने आदमी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी था शिवाजी नगर में। और फिलहाल हम निकल गए यहाँ से और वापस आ गए हैं शाहीन कॉलोनी में, क्योंकि हमको जाना था, गेट बंद था तो इसी साइड से, और हम जा रहे थे अभी पूर्णा देखने के लिए। तो हम आ गए वापस शाहीन कॉलोनी में और अभी तो और ज़्यादा पानी भर गया था यहाँ पर। तो
लोकेशन देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था अभी शाइन कॉलोनी में, और इस बार तो कुछ लोग भी खड़े थे पानी देखने के लिए। वो भाई आबिद भी खड़े हैं, और ये देख लो आप शाइन कॉलोनी का ये हाल है, नया लेआउट है ये। हाँ तो हाल देख लो आप, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या नदी है, डैम है, पूरा चारों तरफ पानी भर गया हो। और बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं, ये देख लो आप भाई भाई भाई, बच्चे फुल मज़े ले रहे थे, पूरा पानी भर गया यहाँ पर। आपने पहले वीडियो में अपने जाके देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, आप वो देख सकते हैं। और अब आ गए हम नांदूरा से बाहर, नांदूरा से 4 किलोमीटर दूर ये है निमगांव फाटा, अलमपुर फाटा, नांदूरा और जलगांव रोड पर है। तो ये आप देख सकते हैं ये हाल अलमपुर रास्ते का, अलमपुर रास्ता जाता है गाइस, बता दूं मैं आपको, आप देख सकते हैं कितना पानी है, और ये सब पानी खेतों से आ रहा है। मैंने आपको आते टाइम में अभी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, मैं जाते टाइम में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये देख लो आप, ये सब खेतों का पानी है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई डैम नहीं है, और ना कोई नाले हैं यहाँ पर, ये सिर्फ नदी का पानी है। तो फिलहाल हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे हमको पता चला है कि भाई एक नाला है जहाँ पर 5 से 6 फीट पानी ऊपर चल रहा है। तो हम अभी आगे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे का क्या हाल है, और आपको भी दिखाते। ओ भाई, बट नहीं जा पाएंगे गाइस, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये देख लो, आपको बता दो पानी का प्रेशर इतना है कि हम चले जाते थे अंदर, भाई असद गाड़ी और मैं, हम तीनों ही अंदर चले जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पानी का। तो हमको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। तो फिलहाल हम गाड़ी हमारी रिटर्न करते हैं, वापस गाड़ी को मोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा पानी हमको लग रहा था, अगर रोड पे हल्का हल्का पानी लग रहा था, मगर यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है। और धार देख लो अब पानी की, यहाँ बहुत पावर और प्रेशर है पानी में। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं वापस, भाई बच गए हम, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी रहती है। और फिर हम आगे जाने का सोचते थे, तो हो सकता था कि हम, आप आगे देख लो कितना पानी है, वहाँ से सीधा गिर भी सकते थे राइट में, और पता नहीं क्या होता था। फिलहाल तो भाई हम वापस निकल रहे, चलो हम वापस जाते हैं। भाई बच गए हम, क्या हाल है सर जी? ओ भाई गाइस, फाइनली बाहर आ गए हम, और अब हम यहाँ से चल के आ गए। हमने सोचे कि बाइक से नहीं जा सकते, तो हम चल के आ गए यहाँ पर फिलहाल। और कुछ लोग भी हमारे साथ में जो आगे जा रहे हैं, फिलहाल हम तो शायद ही जाएंगे, क्योंकि हमको पूर्णा पर भी जाना है देखने के लिए। पूर्णा के ये लोग क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, तो फिलहाल हम भी थोड़ा सा आगे तक के जाएंगे और दिखाते हैं आपको क्या हाल है। तो भाई ये देख लो, ये पानी था, इसमें हम आ भी नहीं पाए थे, और देखो यहाँ प्रेशर पानी गिर गिर के कैसा पूरी इधर की साइड का तो खेत बह गया। आपको बता दूँ, देखो इस साइड की पूरी खेती बह गई, और आप खुद को देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसा नदी बह रही, बट ये नदी नहीं है ये, और ना कोई नाले का पानी है। भाई नाला बह रहा था और बहुत ज़्यादा बहने लग गए गाइस, ये खेती का पानी है, पूरा खेतों से ये पानी होके आ रहा है, खेतों से गुजर के। मैं आपको जाते टाइम रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल हम वहाँ से निकल गए थे और हम आ गए अभी पुरना के नए ब्रिज के नीचे हैं। तो हम देखने वाले अभी कि भाई हमारे पुरना का क्या हाल है, और पता नहीं यहाँ ट्रैफिक क्यों लगा है। ओ भाई, तो आगे बबूल का झाड़ जो है वो गिरा हुआ है, तो फिलहाल रास्ता बंद है, बट हम निकल जाएंगे, शायद बाइक निकल जाएगी मुझे लगता है। तो फिलहाल देखते हैं, उतर के नीचे आगे जाके देखते हैं क्या हाल है, और बाइक तो आ जाएगी गाइस यहाँ से, हम निकल जाएंगे, बट ये जो फोर व्हीलर रुके शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। और उधर से बस भी आ रही है अभी, और गाइस यहाँ से बस वाले ने जो है अपनी बस डाल दिया है, तो फिलहाल तो बस निकल जाएंगे मुझे लगता है। बस जाने के बाद में फिर जो गाड़ियाँ रुकी है साइड में वो भी शायद अब निकल ही जाएंगे, बस वाले तो भाई किधर से भी डाल देते हैं। तो फिलहाल तो ये अच्छा बड़ा रास्ता बन गया है बस के जाने की वजह से, और हम निकलते हैं आगे और हम देखते हैं पुरना का क्या हाल है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है।
तो फिलहाल तो गाइस पूर्णा खाली है, पूरी भरी नहीं बट भरने पर आ गई अभी। हाँ आप देख सकते हैं पूरी खाली है, तो हम उस साइड जाएंगे और उधर से आएंगे। ओ भाई देख लो आप क्या नज़ारा है पानी का गाइस, दोनों साइड में पानी ही पानी। आपने देखे हुए पिछले व्लॉग में भी, लास्ट ईयर के व्लॉग में आपने देखे हुए कि हमने नए बीच के ऊपर से पूर्णा का व्लॉग लिए थे, वीडियो बनाए थे, तो भाई क्या नज़ारा था। और अभी भी देख लो आप कैसा लग रहा है कि हम पानी के ऊपर ही चल रहे हैं, देख लो आप कैसा लग रहा है जैसे हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, बहुत गजब नज़ारा है गाइस, क्या बताओ आपको। देख लो और सब आप देख सकते हैं कचरा, ऐसा लग रहा है अभी नया पानी आ रहा है बस नदियों का, नदियों में जो बाढ़ आती है और नालों के जरिए से आप देख सकते हैं पूरा कचरा ऐसा आ रहा है। तो बेहतरीन नज़ारा है गाइस, और पानी वापस से और ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से, चलो। और गाइस ये देख सकते हैं आप जूनी एडली का हाल क्या है, पूरा पानी भर गया है जूनी एडली में। हमने जाते टाइम देखे थे बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं आते आते रिकॉर्ड करो। ये जूनी एडली में पूरा पीछे की साइड तो एक रास्ता है, देख लो आप ये जूनी एडली का रास्ता है जो गांव स्टेशन से गांव में जाता है। और ये देखो यहाँ भी क्या हाल है गाइस, ये खेतों का पानी है पूरा। मैं बता दूँ आपको ये कोई नदी या कोई डैम के पानी नहीं है बल्कि खेतों का पानी है। और आगे आपको इसी तरह से पूरा ये देख लो आप, बस एक ही बात मैं आपको बोलते जाऊंगा यहाँ से वीडियो में कि खेतों में पानी है पूरा। आप नज़ारे देखो भाई, पता नहीं क्या हाल होने वाला है इस साल किसानों का। ये देख लो दोनों साइड आपको बस पानी 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 नज़र आएगा पूरा खेतों में। ये देख लो आप, मैंने स्पीड भी वीडियो की थोड़ी बढ़ा दिया हूँ क्योंकि मैं क्या दिखाऊँ आपको, दोनों साइड में पानी भरा हुआ है बट इसके लिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जो आप इतना पानी देख रहे हैं, जो नदियों जैसा पानी बह रहा है वो नदियों का नहीं है, वो खेतों का पानी है। खेतों में इतना पानी भर गया है जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और दोस्तों ये हाल है, आप देख सकते हैं निमगांव फाटे से निमगांव गाँव में जाने वाले रास्ते का पूरा डूब गया है। और ये देखो आप लोग खड़े हैं जाने के लिए गाँव में, सभी पानी इतना ज़्यादा है कि जा नहीं सकते, बहुत पानी है देख लो आप। और इसके अपोजिट में जो दिखाया था मैंने वो अलमपुर था और ये निमगांव है। ये देख लो आप भाई, गाड़ी जा रही थी फोर व्हीलर गाइस, अटक गई वो भी। ओ गाइस हम निकल गए अभी निमगांव फाटे से। तो निमगांव फाटे से नांदूदर तक के आपने देखना क्या हाल है भाई खेतों का, यही सब पानी है। और जो इधर निमगांव में घुसा है और जो अलमपुर का आपने जो पानी देखे ना, वो ये सब पानी है, यही वो पानी है। देख लो आप कैसा भाई नदी जैसा पानी बह रहा है यार खेतों में, क्या मंजर है। बहुत सारे खेती वालों पूरी मिट्टी बह गई है, सब तरफ पानी नज़र आएगा बस आपको, बस एक ही बात बोलूँगा मैं आपको, पानी 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 सब तरफ पानी नज़र आएगा आपको। बुरा हाल है इस बार भाई, बुरा हाल है देख लो आप। ये देखो सब जो एक खेत को दूसरे खेत के बीच में जो रहता है उसको धूरा बोलते हैं, पूरे धूरे बह के चले गए। ये देख लो आप, लग ही नहीं रहा कि अलग अलग खेत है, और खेत तो लग ही नहीं रहे, अलग अलग का छोड़ दो आप, लग ही नहीं रहे कि खेत है भाई। तो खैर गाइस यहाँ पर हम एंड करते हैं इस व्लॉग को।